अरे मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ फ्रैंकलिन, तू बता अपना। भाई मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ, हल्क भी एक्साइटेड है। गाइस हम सभी चाहते हैं कि हमारे देश की तरक्की हो, एहे। और आज हमारा देश तरक्की की ओर एक और कदम उठाने जा रहा है, वो भी एक लंबा कदम। भाई हमारा देश दुनिया में नंबर वन पे आएगा। आप सभी जानते होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, हम बात कर रहे हैं हमारे भारत देश की। असल में आप सभी तो जानते हैं भाई, आज चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग डेट है और भाई हम सब जा रहे हैं। हमने ऑफिशियली यहाँ पर चंद्रयान 3 के जो हेडमास्टर है उनसे परमिशन लिए वहां जाने की। भाई मैंने लिए, तूने नहीं ली। अरे मतलब जो भी हो गाइस, हमारे अच्छे खासे कांटेक्ट है, उस वजह से भाई वो लोग हमको लाइव लॉन्चिंग दिखाएंगे। देखिए भाई साहब, अभी फिलहाल हम एकदम हमारे ना देश थोड़े से पास में ये एक अलग सा आइलैंड है, यहां पर आ चुके हैं। और गाइस यहां पर चारों तरफ से बड़े बड़े लोग आए भाई साहब, देशी विदेशी सब लोग आए और हमारे देश को खूब सारा प्यार कर रहे हैं। आप लोग भी अगर अपने देश से प्यार करते हैं तो जल्दी वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब। ऑलराइट गाइस, इधर देखिए भाई साहब कितना खूबसूरत लग रहा है यार हमारा प्यारा देश का झंडा। अरे हाँ, हमारे देश के झंडे ने तो खूबसूरती बढ़ा दी इस चंद्रयान की। ये बात तो बिल्कुल सही कहा यार तूने सिंचन। बाकी यार मैं तो ये सोच रहा हूँ काश मैं भी जा पाता। अबे पागल है क्या फ्रैंकलिन, पूरी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है 3-4 महीने और बढ़िया बढ़िया एस्ट्रोनॉट साइंटिस्ट जा सकते हैं। ये देख पहले कितने खूबसूरत झंडे लग रहे हैं। ये बात तो सही कही। और भाई साहब यहाँ पे डॉक्टर मिक्सेड भी है। और गाइस ये हमारे देश के कुछ होनहार साइंटिस्ट, मेरा मतलब एस्ट्रोनॉट्स हैं, जो हमारे देश के ये जो नया मिशन है उसको कंप्लीट करेंगे। हाँ बिल्कुल भाई साहब, यहाँ पर देख फ्रैंकलिन, अलग अलग देशों से भी लोग आए भाई इंडिया को सपोर्ट करने के लिए। वही तो मैं बोल रहा हूँ। खैर दोस्तों, अब यहाँ पर कुछ ही टाइम है भाई साहब लॉन्चिंग होने वाली है हमारा चंद्रयान 3 का जो ये वाला मिशन है, मैं तो पूरे दिल से चाहता हूँ कंप्लीट हो। ए बिल्कुल सही कहा, उसका होना ही होगा। बिल्कुल सही कहा, अगर कोई दिक्कत भी आई तो भाई मैं पूरा सपोर्ट करूंगा। अरे चलो दोस्तों चलते हैं, यहाँ पर हमारा स्पेसशिप पूरी तरह से रेडी है, देश विदेश के लोगों ने यहाँ पर बहुत ज्यादा मदद की है। फाइनली भाई साहब लॉन्च हो गया, लेट्स गो गाइस। देखिए हमारा जो स्पेसशिप है फाइनली यहाँ पर हवा में लहर रहा है, उड़ रहा है अच्छी तरह से। मैं तो उम्मीद करता हूँ भाई साहब ये आज ही पहुंच जाए चांद पे। गाइस हम लोग ना इधर समुद्र की तरफ आगे देखने के लिए, लेकिन यार अब दिख नहीं रहा है। मैं क्या सोच रहा हूँ टोनी, हम अपना स्पेसशिप लेके जाए, देखिए कहाँ तक पहुंचा। वो पागल है क्या भाई, वो हमारे अर्थ के ऑर्बिट से बाहर निकल चुका है, हम उसको ठीक से नहीं देख पाएंगे। एक काम करते हैं, चल टीवी पे देखते हैं। टीवी? अबे फिलहाल हम पुराने शिप में, यहाँ तो नहीं देख पाएंगे। चलो गाइस फिर तो स्टॉक मेंशन चलते हैं, वहां पर बड़े से टीवी पॉपकॉर्न लेके देखेंगे कि हमारा चंद्रयान कहां तक पहुंचा। बिल्कुल सही कहा, हल्क कोई मजा आएगा। चलो गाइस अभी हम इस आइलैंड से बाहर जा रहे हैं वापस से और जल्दी से अपने घर चलते हैं। अरे बहुत मजा आएगा। अरे कसम, अरे आराम से बोट चला, गिर रहे हैं। अबे फ्रैंकलिन आराम से चला रहे भाई, सबकी बैंड बज रही है। ऑलराइट दोस्तों हम फाइनली आ चुके हैं, जल्दी चलो जल्दी चलो। हल्क को ऐसा क्यों लग रहा है कुछ गड़बड़ है, ऐसे क्यों कह रहा है? ओ भाई साहब ये क्या, ये एक साथ से रात और दिन क्यों भागे जा रहे हैं, अजीब लग रहा है मुझे। अरे ये कैसे हो सकता है? अरे भाई नहीं, ऐसा नहीं हो सकता यार, हमारा चंद्रयान 3 ये कहाँ जा रहा है? एक मिनट टोनी, यहाँ पर इतनी सारी भीड़ क्यों लगी है, लोग परेशान क्यों हैं? अरे भैया ये क्या हो गया, हमेशा हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, ये कुछ तो गड़बड़ है। क्या हो गया दोस्तों इतनी रो क्यों रहे हो? अरे सब कुछ खराब हो गया, हमारा चंद्रयान 3 मिशन शायद खराब जाएगा। ऐसे कैसे कह रही है मैडम आप, ऐसे नहीं हो सकता। क्या हो गया फ्रैंकलिन? वो तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वाह भाई कल वाला टीवी देखता है, कोई न्यूज चला दो भाई, क्या चल रहा है। बिल्कुल सही कहा, हल्क को जानना है चंद्रयान 3 पर क्या हुआ। अरे वाह गाइस देखिए, अपना चंद्रयान 3 तो पहुंचे जा रहा है। बिल्कुल सही कहा, ये लोग फालतू में घबरा रहे हैं। ओ भाई फ्रैंकलिन स्पीड देख भाई, चंद्रयान 3 की 573 किलोमीटर पर। एक मिनट ये क्या टोनी, ओ माय गॉड भाई फ्रैंकलिन देख यार, स्पेस से बाहर ऐसी दिखती हैं चीजें रियलिस्टिकली। हाँ एक मिनट, लेकिन ये अजीब सा बिहेव क्यों कर रहा है? अरे भैया हम इसी की बात कर रहे थे, न्यूज रिपोर्टर को तो बोलने दो। हाँ तो मैं कह रहा था हमारा प्यारा चंद्रयान 3 अर्थ के ऑर्बिट से बाहर निकलते ही अजीब हरकतें करने लगा। चंद्रयान 3 को तो जाना चाहिए था चांद पर, लेकिन वो मार्स जा रहा है। व्हाट, ये कैसे हो सकता है? एक मिनट ये कैसे पॉसिबल है? अबे फ्रैंकलिन एक मिनट, चंद्रयान 3 चांद पर नहीं जा रहा है तो मार्स पर क्यों जा रहा है? मुझे तो लगता है गाइस कुछ गड़बड़ हो गया। एक मिनट, हमारे एस्ट्रोनॉट्स का क्या हुआ, साइंटिस्ट का क्या हुआ जो उसके अंदर है? अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है, सिर्फ यहाँ पर हम निगाहें टेक कर बैठे के यो कर रहा है। आप सभी हमारे ड्रोन से व्यू देख रहे हैं जो हमने ऑटो ड्रोन लगाया था इस स्पेसशिप में। अबे फ्रैंकलिन मुझे तो लगता है भाई यहाँ पर पक्का किसी ने हमारे स्पेसशिप को हाईजैक कर लिया है। लेकिन भाई स्पेस में कौन हाईजैक कर सकता है? अरे मुझे तो हमारे स्पेसशिप के पीछे एक यूएफओ दिखा। यूएफओ कैसी बातें कर रहा है? एक मिनट, अरे भैया ये क्या, ये तो घोस्ट कम्युनिटी है और
स्किपरिट वाले मॉन्स्टर है। वाह भाई कल वह भाई ये कहां कहां से पहुंच गए। ओ माय गॉड। अबे फ्रैंकलिन तुझे तो पता ही है ये सारे के सारे घोस्ट हमारी दुनिया के नहीं है। ओ माय गॉड ये क्या, हमारे साइंटिस्ट बेहोश पड़े हैं। ओ नो, अब इन लोगों को कौन बचाएगा। माना गया सरकार की तरफ से ऐलान है जो भी चंद्रयान 3 के मिशन को जो फेल हो रहा है उसको ठीक करेगा, यहां पर घोस्ट कम्युनिटी को पीटेगा और हमारे एस्ट्रोनॉट्स को बचाएगा। सरकार उसको दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना देगी और देश भर से सम्मान मिलेगा। क्या, अरे फिर तो मैं बचाऊंगा भाई, मैं बचाऊंगा। नहीं 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 भाई, घोस्ट कम्युनिटी बैंड मैं बचाऊंगा, मेरे पास एक प्लेन है एवेंजर्स, क्यों ना हम काम करते हैं, जल्दी से मिलिट्री बेस चलते हैं और जाकर वहां से ना मिक्सर से बात करते हैं। मिक्सर से हमारी अच्छी बात है। हाँ मिक्सर से तो मेरा भी कॉन्टेक्ट है। गाइस हम मिक्सर से बोलेंगे कि हमें कोई स्पेसशिप प्रोवाइड कर दे, हम साथ मिलकर जाके चंद्रयान 3 के मिशन को सेव कर सकते हैं। अरे नहीं मैं तो अकेले जाऊंगा। वाह भाई अकेले का काम नहीं है, सबको साथ चलना पड़ेगा। अरे नहीं यार, 3-4 लोग ही चल लेंगे, बहुत है सबको जाने की जरूरत है। अरे हाँ गाइस सबको जाना चाहिए, चलो मेरे साथ। गाइस जल्दी से भाई मिलिट्री चलते हैं। ये एवेंजर्स लालची यही चाहते हैं कि भाई अकेले चंद्रयान 3 के मिशन को बचा ले, लेकिन गाइस ये जानते ही नहीं है कि भाई अकेले वो काम नहीं हो सकता। और अब तो बर्बाद हो गया, हमारे पास जितने भी होनहार एस्ट्रोनॉट थे वो सबके सब कहीं अलग मिशन पे बिजी हैं। हमारा चंद्रयान 3 अगर मिशन बर्बाद हो गया तो सरकार हमको और फंडिंग नहीं देगी, फिर कभी भी हम अपने देश का नाम ऊंचा नहीं कर पाएंगे। ओ नो नो नो, ऐसा मत कहिए मिक्सर साहब, मैं तैयार हूँ, मैं अपने देश भारत के लिए कहीं से भी और कभी भी कहीं भी जा सकता हूँ। मैं भी चलूंगा। और कैसी बात करते हो, तुम लोग तो नालायक इंसान हो, तुम्हारे पास की कुछ भी नहीं है। ऐसा क्यों कह रहे हैं, आपके पास कोई भी स्पेसशिप होगा वो दे दीजिए। बिल्कुल, हल तो बिना स्पेसशिप के भी जा सकता है, बताओ जाना कहां पर है। ओ भाई साहब फ्रैंकलिन देख, ये एक स्पेसशिप है। और अब चलो, ये हमारे देश का स्पेसशिप नहीं है, ये हमारे पड़ोसी देश का स्पेसशिप है, लेकिन हम क्या करें, हम यहाँ पर इसको नहीं दे सकते, हमें खतरा लगेगा, हम तुम्हें नहीं दे सकता, करोड़ों का नुकसान हो सकता है। अरे गाइस मिक्सिट भी सही कह रहा है, इसमें इसकी गलती नहीं है, हम लोगों पे कुछ तो आता नहीं है, स्पेस में जाना का है करना का है कुछ भी नॉलेज नहीं है। पर यार मैं अपने देश से प्यार तो करता हूँ ना, मैं क्या करूँ। फ्रैंकलिन मेरी बात सुन। क्या हो गया। मेरी बात सुनो, मेरे पास एक बढ़िया प्लान है, हम एक काम करते हैं, क्यों ना खुद के लिए कोई नया स्पेसशिप बनाए। ये क्या कह रहा है भाई, तूने आयरन मैन के सूट बनाए तो इसका मतलब स्पेसशिप थोड़ी बना लेगा। भाई जब मैं प्लेन बना सकता हूँ तो स्पेसशिप क्यों नहीं। उड़ी कसम सही बात की, मेरे पास एक प्लान है, हम पुराने पोर्ट पर चलते हैं, वहां पर प्लेन के टुकड़े वुकड़े उठाएंगे और स्पेसशिप बना के निकल लेंगे, ठीक है। और मेरी बात सुनो, जिसको मेरा साथ देना साथ में चलो। ठीक है तो चले चलते हैं। भाई साहब गाइस अब आएगा मजा, अब हम खुद का स्पेसशिप बनाएंगे और यहाँ पर मार्स पर जाएंगे चंद्रयान 3 को रेस्क्यू करने, उसके बाद उसको चांद पे भेजेंगे और हमारा मिशन सक्सेसफुल। एक मिनट, अबे ये पुराने स्पोर्ट पे ये लोग क्या कर रहे हैं, मुझे तो गड़बड़ लग रही है, कुछ तो गड़बड़ है। और उसके बड़े हमारा मिशन सफल हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा, इसके बड़े ये दूसरा स्पेसशिप उनके हाथ ना लगना चाहिए, वरना वो अपने मिशन को रेस्क्यू कर सकते हैं। ओ भाई साहब, चंद्रयान 3 को बचाने का हमारा पूरा प्लान हमें मिल गया। बिल्कुल सही कहा, अब तो भाई मैं अकेला जाऊंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। अरे मैं अकेला जाऊंगा। इसके बड़े वाह भाई कल मैं अकेला जाऊंगा, हल्का अकेला जाएगा। ये कैसी बातें कर रहे हो यार, साथ में चलते है ना। सच बता रहा हूँ, किसी को भी एक्सपीरियंस नहीं है दुनिया से बाहर जाने का। अबे चल फ्रैंकलिन भाई। अरे मैं जाऊंगा, कोई भी मत आना है, अगर कोई आए ना गोली से मारूंगा। अरे सिंचन क्या कर रहा है तू, तू तो वैसे भी माइनर है, तेरे को तो परमिशन भी नहीं है ऐसे उड़ाने की चीजें, वाहन चलाने की। अरे भाई साहब हल को मार रहा है ये, हल तुझे पड़ेगा। निकलिए ऐसे, हां मैं यहां पर देश का नाम बचाऊंगा, देश का नाम ऊंचा करूंगा, फिर सरकार मुझे यहां पर बढ़िया इनाम देगी, दुनिया का सबसे अमीर और ताकतवर इंसान बन जाऊंगा। अरे सिंचन मुझे तो साथ लेके चल, मुझे किसी के साथ नहीं है। वाह भाई वाह, कलवे रोक उसको सिंचन, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, इसकी बैंड तो मैं बजाऊंगा। फ्रैंकलिन रुक जा, सिंचन चुपचाप यहां से हट और फोकन मेरे को दे, मैं इसकी बड़ी बैंड बजाऊंगा। अरे बाप रे मारा, इसकी बड़ी भैया बचाइए। अबे ये क्या कर रहा है, अगर इसकी बड़ी इसको पता चला सबको पीटेंगे। हां तो मैं यही तो चाहता हूं, वो आपको पीटने भेजेंगे, मैं स्पेसशिप लेके उड़ जाऊंगा। अबे ओ इसकी बड़ी निकलो यहां से। अरे इसकी बड़ी और ये कौन मार रहा है। अबे पागल फ्रैंकलिन, अबे क्या कर रहे हो, एवेंजर्स सामने से मार रहे हो, अब तो यार मेरे को भी यहां पे इनको मारना पड़ेगा। तुम्हें पता है हमें स्पेसशिप लेके भगना था, इनसे लड़ना थोड़ी था, खैर अब क्या करें, इनको पीट के भगना पड़ेगा। इसकी बड़ी बॉस बचाइए। वैसे भी मुझे इनसे नफरत हो गई है, हमारे हर काम में टांग अड़ाने आते हैं और हमारे देश का नाम बिगाड़ने के लिए आ रहे हैं। वाह भाई सही कहा, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, अपने देश के लिए मैं इनकी बैंड बजा दूंगा। वाह गाइस अब भी सही है, अब हम साथ में मिलकर लड़ेंगे तो जीतेंगे भी और अपने देश का नाम रोशन करेंगे, चंद्रयान 3 मिशन को पूरा भी करवा पाएंगे, लेट्स गो। यहां पर गाइस, अरे बाप रे, उसके बड़े निकलो यहां से, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां पर आने की। अरे बाप रे हमारी हिम्मत कैसे हुई हमारे चंद्रयान को हाथ लगाने की। अरे इसकी बड़ी ये दुनिया हमारी, ब्रह्मांड हमारा है, जो मर्जी करेंगे। अरे बाप रे टोनी, ऐसे बात नहीं बनेगी, हम इनको कैसे हराएं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं इनको हराऊंगा, मैं काम करता हूँ, जार्विस से आयरन मैन का सूट मंगा लेता हूँ। भाई साहब टोनी ये तो सही कह रहा है, फिर तो हम साथ में जा पाएंगे। बकवास बंद कर भाई, अकेला जाऊंगा, जार्विस मुझे आयरन मैन का सूट पहनाओ। नहीं टोनी यार प्लीज, तू यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, उसके बड़े और तुम अभी भी नहीं मारे। अबे मारेगा तो तू बेटे, ये निकल यहाँ से, तुम हमारे देश का नाम खराब कर रहे हो, मैं तुझे मिट्टी में मिला दूंगा।
और उसके बेड़े इसके बेड़े, हम बेशक मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन तुम्हें भी लेके डूबेंगे। अच्छा बेटा अबे निकलो, बड़ी बड़ी बातें करते रहते हो, हटो यहाँ से। वाह भाई साहब टोनी तो कमाल कर दिया, अरे कसम अपना टोनी सुपर स्टार है, यही बचाएगा चंद्रयान 3 को। नहीं नहीं हम साथ मिलकर बचाएंगे। अरे चलो गाइस यहाँ पर मजा आ गया भाई, ये स्पेसशिप में थोड़ी गड़बड़ लग रही है मुझे, बस सही से पहुंचा दे भाई मेरे को मार्स पे, इसमें इतना फ्यूल तो होगा ना। जल्दी चलता हूँ भाई साहब। टोनी मेरे भाई प्लीज यार मेरे को भी लेके चल ले। अरे मुझे भी लेके चलिए टोनी भैया। मजा आ गया मजा आ गया। टोनी मेरी बात सुन, हम साथ में जाएंगे तो ही फायदा प्लीज। अच्छा चलो ठीक है चलो। वाह गाइस टोनी मान गया, अब आएगा मजा क्योंकि गाइस हम सब स्पेसशिप में जाएंगे। अरे हाँ मैं पायलट बनूंगा। अबे चुप रहो सिंचन, तू पीछे बैठना। तुम सभी यहाँ पर एक काम करो, वेपन ले लो, सारी चीज ले लो, खाने पीने की चीजें। मेरे हिसाब से वो सब कुछ तो स्पेसशिप में ऑलरेडी होनी चाहिए। गाइस पहली बार स्पेसशिप में बैठूंगा भाई साहब, बहुत एक्साइटेड हूं मैं, लेट्स गो। ओ भाई साहब अंदर का स्ट्रक्चर देखिए। फ्रैंकलिन देख मेरे कहे बिना कोई बटन मत दबाना। ए गाइस तुम लोग बैठ गए। अरे दरवाजे तो खोलता अभी तो बैठेंगे। अरे यार इनको इधर जगह में, एक अपन पीछे बैठा है। हल्को कहां बिठा रहा है? वाह भाई कलवे, वाह यहां पे मेरे को सूसू आएगी तो कहां पे करूंगा। अरे वहीं कहीं बाथरूम होगा, यूज कर लियो। लेट्स गो गाइस, यहां पर सारे के सारे बैठ जा चुके हैं। गाइस जल्दी से अपनी अपनी सीट बेल्ट लगा लो, लेट्स गो हम लॉन्च करने जा रहे हैं। वाह 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 वाह, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। ओ भाई साहब ऐसा हो रहा है। अरे बाप रे मुझे डर आ रहा है। वाह भाई वाह वाह, मुझे उल्टी आ जाएंगी। ऑल राइट गाइस लेट्स गो। भाई साहब उड़ गए। ओए इसके बड़ी बहुत उड़ रहे हो ये लो। ओए आरपीजी फोड़ दूंगा। अबे फ्रैंकलिन हम क्रैश कर रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? अरे गाइस ये स्किबिडी के बच्चे ने क्या कर दिया, हल्को मारा, हल्को नीचे पटक के मारा। इसकी बेड़ी। अबे रुक तुझे बताता हूँ स्किबिडी। ओए रुक जा, अबे ये तो हमको मार देगा। गाइस जल्दी बाहर निकलो। अबे बाहर नहीं निकलने दूंगा, ओए तुम्हें बाहर दूंगा। भागो 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 वरना मेरे पीछे आएंगे मुझे मारने के लिए। गाइस उसकी बड़ी सब खराब कर गया। हम अभी तक तो भाई साहब अर्थ के ऑर्बिट से बाहर भी निकल चुके होते, क्या स्पीड में जा रहे थे। ए हे फेकी भैया हम क्या करेंगे? हाँ यार मेरे को भी समझ नहीं आ रहा। अब हम एक काम करेंगे, हम इस पूरे स्पेसशिप को रिपेयर करेंगे, बस हमें कंपोनेंट की जरूरत है। ओ चॉप जल्दी जा और जाकर वेल्डिंग मशीन लेकर आ, और हमें जरूरत है बहुत सारे ईंधन की, तो चलो एक काम करो तुम गैस का इस्तेमाल करो, मतलब इस्तेमाल नहीं तुम लेकर आओ। गाइस मैं तो यहाँ पे वेल्डिंग मशीन से रिपेयरमेंट पे लगा रहा हूँ, हल तो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर ही ठीक कर देगा। वाह भाई कल जल्दी कर, हमारे पास पूरा टाइम नहीं है। गाइस यहाँ पर मैं हल्क और भाई टोनी स्टार्क हम सब लगे पड़े काम पे, बाकी डॉक्टर स्ट्रेंज और बाकी जो लोग हैं वो भी लगे पड़े हैं, और कुछ जो बचे हुए लोग हैं वो ईंधन लेने गए। मैं तो अपने प्यारे के प्यारे स्पेसशिप को पूरा ठीक कर दूंगा। और टोनी सर जितनी भी वायरिंग थी सारी फिट कर दी मैंने। उड़ीन कसम, ओए पूरा का पूरा ईंधन मैंने इसके बीच में डाल दिया। अबे बीच में नहीं उसके पीछे डालना है, मेरा मतलब वही। चलो गाइस अपना फ्यूल भी ले आया था, और भाई साहब अपना ये जो स्पेसशिप है बढ़िया तरीके से रेडी हो चुका है। चलो गाइस अब फाइनली हम इसमें जाएंगे और अपने मार्स पे पहुंचेंगे। वैसे वो हमारा मार्स नहीं है, वो तो पता नहीं एलियंस का मार्स होगा। अबे हाँ टोनी यहाँ पर वही, वहाँ पे मार्स पे एलियन वेलियन मिले तो भाई मैं तो सोच रहा हूँ उसे दोस्ती कर लूंगा, क्या पता कोई बढ़िया टेक्नोलॉजी दे दे। गाइस यार ना ही मिले तो अच्छा होगा भाई साहब, मुझे नहीं लगता एलियन हमारे दोस्त बनेंगे, हल्के दोस्त बनेंगे, हल्के एलियन जैसा दिखता है। ये बात तो बिल्कुल सही कही, हल्के ऊपर हंसता है तुझे मारेगा हल्के। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। फाइनली गाइस अभी कोई गड़बड़ नहीं है, हम बढ़िया तरीके से लॉन्च कर चुके हैं। ओ भाई चलो 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 चलो, मुझे तो भाई वेट नहीं हो रहा है चंद्रयान को देखते हुए। बिल्कुल पास से देखूंगा कितना खूबसूरत लगेगा, हमारे देश का झंडा होगा। लेकिन यार स्पेस में हवा नहीं है इसलिए झंडा लहरा नहीं रहा होगा। हाँ यार ये तो सही कहा, हवा चाहिए उसके लिए। खैर दोस्तों उससे क्या, हमारे दिलों में तो झंडा हमेशा लहराता रहता है। बाकी गाइस देखिए यार अर्थ कितनी खूबसूरत लग रही है, टोनी उधर सूरज है। अबे उधर जाना है क्या तुझे? हमें फिलहाल मार्स का रास्ता देखना पड़ेगा। वो रहा मार्स, ओ भाई साहब हम तो डायरेक्ट टेलीपोर्ट हो गए इधर। हाँ वरना गाइस ऐसे जाने तो पता नहीं कितना टाइम लगता है। गाइस हम किसी वर्म होल या ब्लैक होल के थ्रू यहाँ पर टेलीपोर्ट हो गए। अरे फ्रैंकलिन भैया क्या हो रहा है? अरे हमें गिरा रहे हैं क्या? पता नहीं क्या हो रहा है, टोनी क्या कर रहा है मुझे नहीं पता। ओ भाई साहब हम तो डायरेक्टली मार्स में घुस गए फ्रैंकलिन। ओ माय गॉड, हमें जाना तो भाई चांद पे था लेकिन मार्स पे आ चुके हैं। खैर मैंने अभी चेक किया गाइस और स्पेसशिप में सिर्फ एक एस्ट्रोनॉट सूट है, तुम लोग क्या करोगे? मेरे पास तो जादू है, उससे सांस ले लूंगा। और भाई स्पाइडरमैन? मेरे पास तो आयरन स्पाइडर का सूट है, मैं उससे स्पेस में सांस ले सका। व्हाट, वाह भाई थॉर तू उड़ीन कसम, हम तो भगवान है, हमें जरूरत नहीं है। हाँ गाइस थॉर तो गॉड है, बाकी स्पाइडरमैन भी ठीक है। और टोनी तो मेरे पास भी आयरन मैन का सूट है भाई, क्या समझा था, खाली आता हूँ मैं। लेकिन हमारे पास कुछ नहीं है। बाबा मेरे पास भी कुछ नहीं है। मेरे पास नहीं है। और हल्क तो बर्गर खाता है, हल्क को सांस लेने की जरूरत नहीं है। ओ भाई साहब ये क्या, मैं आवरा कटावरा करके दोनों की बॉडी में इतना ज्यादा ऑक्सीजन भर रहा हूँ जिससे कि कम से कम आने वाले 3-4 महीनों के लिए सांस ले पाए बिना हवा के भी। ऑल राइट गाइस, मैंने तो भाई एस्ट्रोनॉट का सूट पहन लिया, देखिए कितना सही लग रहा है यार मेरे पे, ऐसा लगता है मेरे लिए बनाया गया हो। बाकी चलो एवेंजर्स अब जल्दी निकलते हैं। मेरी बात सुनो गाइस, कोई भी यहाँ पर एक दूसरे से दूर मत जाना भाई, अनजान प्लेनेट है, कब क्या हो जाए। ऑल राइट दोस्तों
अब हम आगे की तरफ जा रहे हैं क्योंकि हमको यहाँ पे लैंड करना होगा अच्छी तरह से। ये क्या हो गया फ्रैंकलिन, क्या कर दिया? मुझे नहीं पता भाई, एक साथ से हम किसी चीज से टकराए। ओ भाई साहब, सिंचन पिंचन चौप तुम कहा? फ्रैंकलिन भैया बड़ी चोर से लगी। फेकी भैया, लेकिन हम कहाँ हैं? बा भाई कलवा बाबा पूजा क्या हो रहा है? बाबा बाबा कलवा पूजा बचा। एक मिनट गाइस, कुछ तो गड़बड़ है यार। अवेंजर्स, अवेंजर्स कहाँ है? और एक मिनट, हमारा स्पेसशिप कहाँ गया जिससे हम आए थे? भाई साहब ना तो यहाँ चंद्रयान 3 मिल रहा है और ना ही हमारा स्पेसशिप मिल रहा है, ना ही अवेंजर्स। अवेंजर्स कहाँ पर हो? अवेंजर्स, ए तुम लोग कौन हो? ये कौन है बे सिंचन विंचन चौप? न्यूज वालों ने इनके बारे में तो नहीं बताया था? अरे जी फ्रैंकलिन भैया, ये तो एलियंस हैं। व्हाट? ए तुम लोग बिना बुलाए मेहमान इधर क्या कर रहे हो? और ये क्या चीज है जो हमारे हाथ में, बताओगे? ओ भाई साहब, इन्हें हमारी गन्स कहाँ से मिल गई? गाइस ये गन आप मुझे दे दोगे? मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और तुम हमारी भाषा कैसे बोल सकते हो? हम चाहो चाहे वो बोल सकते हैं, पहले ये बताओ तुम हो कौन? अरे मैं धरतीवासी हूँ, हम यहाँ पर असल में अपने एक चंद्रयान 3 नाम के स्पेसशिप को बचाने के लिए आए। बकवास बंद कर, ये धोखेबाज, मारो इसको। अरे बाप रे, हमारे वेपन से मैं मार रहा है भाई एलियन। ओ माय गॉड गाइस, ये तो बहुत बुरा मार रहा है। अगर मेरे पास एस्ट्रोनॉट का सूट नहीं होता तो मेरी बैंड बज जाती। सिंचन पिंचन चौप भागो यहाँ से। अरे बाप रे, अरे फ्रैंकलिन भैया हमें अवेंजर्स को ढूंढना होगा। बिल्कुल सही कहा, अवेंजर्स को ढूंढो। भाई ये कहाँ पड़ गया मैं एलियंस के पीछे? अरे यार मैं तो यहाँ पे मिशन को बचाने आया था, अभी मेरे को बचाने की जरूरत है लोगों को। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं गाइस, मेरे पास भी तो एक गन है। ये लो बेटा, मैं चाहता नहीं था। अरे भैया मार दिया हमको, भैया मार दिया हमको, मार दिया। भाई साहब सारे एलियंस की बैंड बजा दी। ओ भाई साहब मेरी सांस बहुत तेजी से चल रही है गाइस, आप लोग प्लीज जल्दी वीडियो लाइक कर दो और चैनल सब्सक्राइब, मुझे आप सबकी बहुत जरूरत है। सिंचन पिंचन चौप सुनो, अब भी हम कहीं नहीं जाएंगे, हम बस अवेंजर्स का वेट करेंगे और यहाँ पर साथ रहेंगे। अगर हम कहीं नहीं जाएंगे तो जा कह रहे हैं? अरे हम ढूंढेंगे तो सही किसी को। ऑलराइट, सामने कुछ है ना सिंचन पिंचन चौप? चलो जल्दी चलते हैं। अवेंजर्स, अवेंजर्स तो नहीं है गाइस, लेकिन यहाँ पर मुझे ये तो एक गुफा लग रही है, केव टाइप। भाई साहब यहाँ पे गेट भी खुल गया। ओह माय गॉड, ये तो अंडरग्राउंड स्पेसशिप है भाई साहब। अरे फ्रैंकलिन भैया, लेकिन ये एलियंस का घर भी तो हो सकता है। अरे घर ऐसे थोड़ी होते हैं, लेकिन गाइस हो भी सकता है भाई। एक मिनट, अरे ये क्या? अभी मैंने अवेंजर्स को देखा। कहाँ देखा? अरे यार ये कहाँ फंस गया, मेरा तो जादू भी काम नहीं कर रहा है। अरे कसम, अब क्या करेंगे? हल्क तो भूख लग गई। अबे हल्क तो भूख खत्म कर, पहले इनकी बैंड बजाओ। अरे अवेंजर्स, इस सफर में हम ज्यादा मजा आएगा। तुम लोग बताओगे तुमने हमारे चंद्रयान 3 को क्यों किडनैप किया और उसको मार्स पर क्यों लेके आए? क्योंकि हमारी प्लानिंग है बहुत तगड़ी, हम चाहते हैं मार्स के एलियन से खतरनाक कॉन्ट्रैक्ट करना। कॉन्ट्रैक्ट करना? बिल्कुल, ये देखो तुम्हारा चंद्रयान 3। ये क्या बकवास कर रही है तू? सर्बियन, ओ भाई साहब ये क्या? यहाँ पर एलियंस को धरती का प्लेन खराब करना था। ओ माय गॉड गाइस, हमारे देश का झंडा भी जल जाएगा। नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए भाई साहब। ओ भाई साहब ये तो हमारे एस्ट्रोनॉट्स हैं। अबे यार ये क्या हो गया? ओ नो दोस्तों, मैं यहाँ पर भाई साहब अपने देश के झंडे को बचाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए, और चंद्रयान 3 के मिशन को भी। फेकी भैया बहुत हो गया, मैं सर्बियन को छोड़ूंगा नहीं। अरे बाप रे, ये मुझे कौन मार रहा है? ए इसको पकड़ो पिंचन को और जाल में डालो। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। ओ पिंचन, नहीं सिंचन तू मत जा। बाबा भाई ये पागल हो गया। अबे ये क्या? सिंचन पिंचन मारो इनको जल्दी से और हमें बाहर निकालो। अरे हाँ अभी बताते हैं। हा, 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 ये लोग मारेंगे हमें बच्चे। अबे ये लोग आ कहाँ से रैंकिंग करके? लगता है ये भी इनके साथ ही आए होंगे, पक्का फ्रैंकलिन भी होगा, उसको भी ढूंढो, मारो इनको। अरे बाप रे फ्रैंकलिन भैया बचाओ। अरे मेरा नाम मत लो वरना ये मेरे को भी पकड़ लेंगे। गाइस मैं क्या करूं, पहले चंद्रयान 3 बचाओ या फिर इस सर्बियन को पीटूं? गाइस यहां पे एलियंस भी आते होंगे, पता नहीं किसी तरह का कांटेक्ट करना चाहती है यार ये सर्बियन, इसलिए हमारे चंद्रयान 3 को इसने किडनैप किया है। ओ भाई साहब ये कुछ तो खतरनाक कर रहे हैं, मुझे यहां पर किसी भी हालत में धरती से मदद लेनी पड़ेगी, और ज्यादा आर्मी चाहिए, मैं इनको कैसे हराऊं? मेरे पास एक आइडिया है गाइस, अगर मेरे को कोई ऐसी गन मिल जाए जिससे मैं यहां पर एक साथ से इनको बेहोश कर दूं तो बम बन सकता है। हां क्योंकि मरेंगे तो नहीं क्योंकि ऑलरेडी घोस्ट है, लेकिन मुझे गन चाहिए, मैं इसी स्पेसशिप में ढूंढ लेता हूं। ये क्या चीज है भाई साहब, ये किस तरह का अंडा है? गाइस ये तो ये एलियन का अंडा है, डायनासोर का है, एलियन का होगा पक्का, फोड़ के देखो क्या, डर लग रहा है, फोड़ ही देता हूँ भाई। ये मारा, कुछ तो हुआ। ओ भाई साहब ये क्या निकल रहा है इसमें से, क्या मैं इसके अंदर जाऊँ? नहीं, जहर भी हो सकता है, मैं मर भी सकता हूँ, कुछ भी हो सकता है गाइस। ओ माई गॉड, इस अंडे में एक स्पेशल गन निकली है गाइस, कहीं ये गन ऐसा तो नहीं है किसी को भी हरा। ओ भाई साहब इसमें तो पॉइजन लगा पड़ा है गाइस, ये पक्का यहाँ पर घोस्ट कम्युनिटी के खिलाफ काम करेगी। फ्रैंकलिन तू आ गया। अरे ये, अरे मार दिया।
अरे ये क्या उसके बड़ी इसके बड़ी, अरे ये सब क्या हो रहा है, ओह माय गॉड, यहाँ पर घोस्ट कम्युनिटी की तो बैंड बजा दी, लेट्स गो। अब भी बताता हूँ बेटा, तुम करोगे हाँ एलियन से कॉन्टैक्ट? गाइस ये पक्का यहाँ पर धरती पे कब्जा करने का सोच रहे होंगे या फिर मार्स पे कुछ करना चाह रहे होंगे। अब फ्रैंकलिन भाई, चंद्रयान 3 को कैसे बचाए? हमें यहाँ पर एक काम करना पड़ेगा, आसपास से कोई गाड़ी वाड़ी ढूंढनी पड़ेगी और चंद्रयान 3 के जो एयरशिप है उधर चलना पड़ेगा और यहाँ पर जितनी आग है उसको ठीक करना पड़ेगा, मतलब उसको बुझाना पड़ेगा, एस्ट्रोनॉट को उठा के सब कुछ फिक्स करना पड़ेगा। फ्रैंकलिन क्या इतने कम समय में सब कुछ ठीक कर पाएंगे? करना पड़ेगा यार, हमारे पास कोई और चॉइस भी तो नहीं है, अपने देश के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा, हल्क यहाँ पर सब कुछ करेगा। ऑलराइट दोस्तों, ओ भाई साहब यहाँ पर तो एक मिलिट्री ट्रक है, क्या बात है, पक्का ये घोस्ट कम्युनिटीज को ले आई होगी अपने साथ स्पेसशिप में। वाह भाई कलब, तू तो कमाल कर रहा है, मार्स पे गाड़ी चलाने वाला पहला इंसान है तू। गाइस मैंने तो सोचा ही नहीं भाई, मुझसे पहले एलियंस ने चलाई होगी यहाँ पे गाड़ी और मैं पहले चला रहा हूँ। अरे भाई फ्रैंकलिन जल्दी से चल, हमें चंद्रयान 3 को बचाना है। गाइस एक मिनट, सामने मुझे कुछ दिख रहा है, कहीं वो एलियंस का यूएफएन हो? नहीं नहीं फ्रैंकलिन वो अपना चंद्रयान 3 है। वाह हम चंद्रयान 3 पे पहुंच गए। गाइस अच्छी बात तो ये कि एस्ट्रोनॉट्स को बाहर निकाल दिया था उन घोस्ट कम्युनिटी के बंदों ने, और यार एस्ट्रोनॉट्स की डेथ हो सकती थी। ओके दोस्तों हमें यहाँ पर बहुत सारा फायर एक्सटिंग्विशर चाहिए, मुझे नहीं पता गाइस इस आग को हम कैसे बुझाएंगे और ये आग जल भी कैसे रही है, यहाँ पर तो ना हवा है ना पानी है। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, अगर यहाँ पानी नहीं है तो हम आग कैसे बुझाएंगे? अरे हाँ टोनी, अब क्या करें, ये तो बहुत बड़ी चिंता की बात है। मेरे हिसाब से एयर स्पेसशिप में कोई ऐसा ऑटो रिकवर या फिर ऑटो फ्रीली मोड हो। ओ माय गॉड फ्रैंकलिन यहाँ पर आग बढ़ती जा रही है भाई, जल्दी हमें यहाँ पर, ओ नो यहाँ पर देख भाई एस्ट्रोनॉट्स को उठाएं क्या? हाँ चलो एस्ट्रोनॉट्स को उठाते हैं। बाकी गाइस अगर आप चाहते हैं हमारा चंद्रयान 3 का मिशन पूरा हो, कंप्लीट हो, हम चांद पर जाएं, तो कमेंट पर जल्दी पार्ट 2 लिखो, और हाँ स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रहे हैं वो भी देख लो। थैंक यू सो मच।